नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही चैनल चर्चा में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं रोहित यादव जी। तो आइए आज इनके साथ चर्चा करते हैं। नमस्कार रोहित भाई। नमस्कार सर, मैं सभी अपने भोजपुरिया श्रोता को हाथ जोड़ के पहले प्रणाम करना चाहता हूँ और चर्चा को देखने वालों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं भैया? सर मैं यूपी सिद्धार्थनगर से। और काम क्या करते हैं? सर मैं ये जुड़ाई करता हूँ, मकान वकान जोड़ता हूँ और कंस्ट्रक्शन लाइन का काम। हाँ सर, मकान बनाते हैं आप? हाँ सर। हाँ वो जो क्या बोलते हैं, मिस्त्री होते हैं? हाँ जी। तो आप मेन मिस्त्री या हेल्पर का काम करते हैं? नहीं, मेन मिस्त्री हैं सर। मेन मिस्त्री। हाँ, आज चर्चा में आप किस लिए आए हैं भैया? सर चर्चा में अपना टैलेंट दिखाने आया हूँ, अपनी आवाज़ का। सर मैं अभी प्लेटफार्म नहीं हमें मिल पा रहा है, इसीलिए मैं यहाँ सर आपसे सलाह लेने आया हूँ। सर अभी तक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, मतलब समझा नहीं मैं। सर मैं दो प्रोजेक्ट किया था, जैसे गायकी का तो सिंगिंग करता हूँ। दो गाने? हाँ दो गाने किया था RCM से। अच्छा। तो RCM में सर एक शैलेश प्रेमी हैं सिंगर, जो काफ़ी दिन से मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं वो। तो शैलेश प्रेमी सर वो खुद आगे बढ़ने के लिए जो दमदार गायक पहुँचते हैं वहाँ पे, तो उनका म्यूजिक ख़राब कर देते हैं सर। शैलेश प्रेमी जो कि RCM म्यूजिक से गा रहे हैं, हाँ। वो आगे बढ़ने के लिए जो दमदार सिंगर वहाँ गाना गाने के लिए जाते हैं, उनका म्यूजिक ख़राब कर देते हैं। उनसे पहले सर एक कश्यप माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहले काम कर रहे थे सर, तो वो पहले वो थे वहाँ RCM में। तो कश्यप अच्छा काम करते थे तो उनको RCM के मालिक होते हैं जो, वो उनको छुट्टी कर दिए। कश्यप जी अच्छा काम कर रहे थे RCM में? हाँ, एक बीड़ा बादनी तू ही कहा वैल्यू, एक सरस्वती माता का मेरा पहला एल्बम था। लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है, आपने शैलेश प्रेमी जी का नाम लिया, तो म्यूजिक शैलेश प्रेमी बनाते हैं RCM या कोई और बनाता है? म्यूजिक शैलेश प्रेमी बनाए थे। शैलेश प्रेमी ने म्यूजिक बनाया था? हाँ हाँ सर। वो रिकॉर्डिंग का काम करते हैं क्या वहाँ पे? मैं वो खाली अखिलेश कश्यप और डमी मेरा लिए थे सर। अच्छा। तो जब मैं गाने आया तो वो उनकी छुट्टी हो गई। डमी किसने लिया था? डमी ये अखिलेश कश्यप लिए थे। अखिलेश कश्यप नहीं, खाली कश्यप नाम होगा, कश्यप जी। हाँ कश्यप सर। अच्छा, और आपको गवाया किसने था वहाँ पे? शैलेश प्रेमी। तो आपके हिसाब से शैलेश प्रेमी जी ने आपका म्यूजिक खराब कर दिया? हाँ सर। तो आप वहाँ अच्छे से गा नहीं पाए? नहीं सर। तो क्या कहना चाहेंगे? तो व्यूअर्स आया था वही 3000 व्यूअर्स आया था ऑडियो का, और एक दोबारा जो वीडियो किया था, ये गाना गाया था मैं पियऊ पियऊ कह के हम के सिंगार माने ली, पियऊ पियऊ कह के हम के सिंगार माने ली, अबहीं शादी नाही भाईल हम के भतार माने ली, रात दिन उ फोन करेली कम से कम 20 बार हो, काले मजिया बऊ तो हमार दुसवार हो, माई बाप के कुछ न बूझ बेकार माने ली, माई बाप के कुछ न बूझे बेकार माने ली, अबहीं शादी नाही भइल हम के भतार माने ली। अभी तक आपने कितने गाने गाए हैं टोटल? सर मैं ये दूसरा मेरा एल्बम था और फिर तीसरा। दिन में खेले सैया होली, उरतिये में खोले ला चोली, ये होली गाया था मैं, तो ये एंगल में गाने चला गया था इसको। टोटल कितने गाने अभी तक आपने गाए हैं? सर मैं 4-5 गाना। कितने साल में? सर ये 2019 में गाया हूँ सर मैं, और फिर 20 में ये तैयारी थी तो सर लॉकडाउन लग गया आप गा नहीं पाए। तो कितने साल से आप इस क्षेत्र में हैं? सर इसमें मैं वैसे स्टूडियो में गाते हुए 1.5 साल हो गया सर, और बाकी मैं गाँव में स्टेज प्रोग्राम। दो ही तीन गाने गाए आपने बस? हाँ सर। क्योंकि 1.5 साल में अगर 2-3 गाने गाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? नहीं सर, किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया, और हमारे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां हमारी जुड़वा हुई हैं और 2 बेटे हैं, तो सब छोटे। कितना कमा लेते हैं महीने का आप भैया? सर महीने में यही कमा लेता हूँ 14,000-15,000 तक। तो 15,000 कमाते हैं जैसा कि आप बोल रहे हैं, 3-4 बच्चे हैं आपके, बिटिया वगैरह हैं, आप कैसे मैनेज करेंगे आप इस लाइन में, आप बताइए? अब इस लाइन में अगर आप काम करेंगे तो पैसे तो लगते हैं, आप कहीं भी एल्बम करने के लिए जाएंगे किसी भी कंपनी में तो कोई ना कोई पैसे मांगेगा आपसे, मान लीजिए कोई कुछ कम पैसे मांगेगा, तो आप अपना घर कैसे चलाएंगे भैया? अब सर मैं उसी में इन्वेस्ट करता हूँ। अब आपकी फैमिली क्या बोलती है, आप ये काम करो गाना वाना गाओ? नहीं सर वो मना करते हैं, लेकिन कहते हैं कि
अब कोई साथ नहीं घर के दे रहे हैं, तो इसलिए बेबी हमारी कहती है। जब वो मना कर रहे हैं, आपकी फैमिली आपको मना कर रही है कि आप गाना बजाना मत करो, आपके बच्चे हो गए हैं, सब हो गए हैं, फिर आप उनकी बात क्यों नहीं मानते, क्या रीज़न? नहीं सर, मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है सर। तो पूरा विश्वास है तो कैसे करेंगे आप, दो गाने गा के कैसे विश्वास होगा आपका? क्योंकि अभी कोई खर्चा मतलब बच्चों का वैसा स्कूल जाने का नहीं है, तो मैं दिन रात पसीना करके और मेहनत करके मैं अच्छा एल्बम कराऊंगा। अच्छा एल्बम कराएंगे, आपको लगता है कि आप सक्सेस हो जाएंगे? हाँ सर, मुझे चलिए मैं आशा करता हूँ। लेकिन अगर बच्चे अभी नहीं पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे? हाँ। आगे तो पढ़ेंगे ना। हाँ, तो आगे कैसे पढ़ाएंगे? मान लीजिए 1%, चलिए मैं दुआ करता हूँ आपके लिए, आप सक्सेस हो जाएंगे। 1% सॉफ्ट कॉर्नर रखिए, अगर आप अनसक्सेस हो गए तब क्या करेंगे? नहीं सर, आपको कहीं बैड फील नहीं होगा, नहीं सोचेंगे आप कि भैया अगर वो पैसा मैंने बच्चों के पीछे लगाया होता, जमा किया होता, बीवी की बात मान ली होती, तो ऐसा नहीं होता? नहीं। अच्छा, आपने कहीं संगीत वगैरह सीखा है? नहीं सर, संगीत कहीं नहीं सीखा मैं सर। जब से गाना लिखने लगा और गीत गाने लगा, तब से मैं सर ये अपने अंदर। गाना आप कैसे लिखते हो, न्यू धुन पे लिखते हो कि ट्रैक पे लिखते हो? सारा न्यू धुन। आपने जब संगीत सीखा ही नहीं है, आपको राग ही नहीं पता है, ताल ही नहीं पता है, ठाठी नहीं पता है, न्यू धुन आती कहाँ से, कैसे कंपोज करते हो, बताओ मुझे। सर ईश्वर का देन होता है, जो मतलब संगीत में ईश्वर का देन होता है, मैं तो यही बस सर। ईश्वर का देन जरूर होता है, लेकिन मैंने तो आज तक ऐसा नहीं देखा है कि भाई कंपोजिशन ईश्वर के देन से ऊपर से आ जाती है। बिना संगीत सीखे आप कैसे उसको कंपोज करोगे गाने को, आप बताओ। एक गाना अपना सुनाइए जो आपने कंपोज किया हो, आपने लिखा हो, सुनाइए। सर मैं सुना रहा हूँ एक गाना। गवाना करा के गईलू ससुरा में मैके हो, ओ सॉरी, गवाना करा के गईलू ससुरा से मैके हो, देखे लू हमके तब बोले लू नइखे हो। गवाना करा के गईलू ससुरा से मैके हो, देखे लू हमके तब बोले लू नइखे हो। भूल गईलू अपना पहला प्यार के है जान हो, पियावा से रूसल बानू नाही बाटे ध्यान हो। भूल गईलू अपना पहला प्यार के है जान हो, पियावा से रूसल मारू नाही बाटे ध्यान हो। कहेली साखी तोहर बात हमसे मिलके हो, कहेली साखी तोहर बात हमसे मिलके हो, देखे लू हमके तब बोले लू नइखे हो। ये आपका नया धुन है? हाँ सर। इस पे गाने पहले नहीं बने हैं? नहीं। चलिए ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा आपको। जो जनता जनार्दन देख रही है, जो चर्चा का परिवार है, अभी जो इन्होंने गाना गाया है, इनका कहना है कि ये धुन इन्होंने कंपोज की है। हाँ, लिरिक्स नए हो सकते हैं, लेकिन आप लोग बताइए, क्या आपने इस कंपोजिशन में पहले कोई गाना सुना है? अगर सुना है तो गाने का नाम बताइए, ताकि भाई को भी पता चले कि हाँ ये न्यू कंपोजिशन नहीं है। अगर नहीं सुना है तो बोलिए कि हाँ भाई इनकी नई कंपोजिशन है। भैया मेरी तो एडवाइज आपको यही है, देखिए भले ही आप अच्छा गा रहे हो, गला अच्छा है, लेकिन आपकी फैमिली सर्वप्रथम, आपकी फैमिली, आप कितने बड़े भी स्टार बन जाओ, अगर आपकी फैमिली स्ट्रगल करेगी तो काम कैसे होगा? जैसा आप बोल रहे हैं 10-15 हज़ार आप कमाते हैं महीने का, आप एल्बम निकालने जा रहे हैं, आप जानते हैं कि किसी कंपनी में जाएंगे 10-12 हज़ार रुपये चार्ज लगते हैं एक ऑडियो वीडियो के, तो आपके एक महीने की सैलरी तो एक गाने में निकल जाएगा। और आपको ये भी बता दूं कि एक दो गाने गा के आप स्टार नहीं बन पाओगे, हर महीने कम से कम आपके 3 गाने आने चाहिए, कम से कम 2 तो आने ही आने चाहिए मार्केट में, तभी आपका नाम होगा, आगे बने रहेंगे आप। तो आप कैसे ये करेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा, बताइए। अब सर मैं दिन रात मेहनत करके मैं सर करूँगा प्रोजेक्ट अपना, सर मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है। चलिए अच्छी बात है यादव जी, आपको विश्वास है, बहुत अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं आप आगे बढ़िए, लेकिन हम यही जानना चाहते हैं, जैसा आपने बोला 10 से 15 हज़ार महीने कमाते हैं, अगर 2 प्रोजेक्ट भी आप महीने का करते हैं तो आपके पैसे ख़त्म हो जाएंगे, तो आपकी फैमिली कैसे चलेगी? सर मैं सुना हूँ किसी से कि आप ऑडियो अच्छा खासा लेके आए और वीडियो आपका मैं फ्री में कराऊँगा। किससे सुना है? सर एक सिंगर है वो, तो वही बोले थे, वो बोले थे कि आप ऑडियो करा के लाओ, वीडियो में करके दूंगा। वीडियो हाँ, लेकिन ऑडियो दमदार आपका होना चाहिए और अच्छा मैटर होना चाहिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आप काम करिए, जो भी हमारा काम है समझाना। आप आज जो चर्चा का परिवार देख रहा है, उससे आप अपने लिए क्या अपील करना चाहेंगे, बताइए। अब सभी पब्लिक, भगवान स्वरूप पब्लिक से हमें निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा सपोर्ट करें और हमें आगे बढ़ाएं,
क्योंकि अगर हमारी गायकी में दम हो तो चर्चा सभी माध्यम चर्चा के अनुसार से देखने वालों को, तो शेयर लाइक और कमेंट करें। चलिए भाई, अब ये भाई आया हुआ है, आपको क्या लगता है कि ये भाई को आगे संगीत के क्षेत्र में बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, गायकी आगे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जैसा कि इन्होंने बताया 10 से 15 हज़ार कमाते हैं, इनकी फैमिली बड़ी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन इनका कहना है कि मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है और मैं पैसे इकट्ठा करूंगा, मेहनत करूंगा और एल्बम में लगाऊंगा। आपको क्या लगता है, आप जनता जनार्दन है, क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं कि इन्हें पहले अपनी फैमिली पर ध्यान देना चाहिए फिर इनको एल्बम उगाने पर ध्यान देना चाहिए? अगर आप मुझसे सहमत हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर नहीं सहमत हैं तो भी बताइए, लेकिन ज़रूर बताइए ताकि भाई का मार्गदर्शक हो सके, आगे वो कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है वो भाई समझ सके। भाई मैं चाहता हूँ कि एक कोई गाना आप ये जो भाई देख रहे हैं उनको सुनाओ प्लीज़ जाते जाते। सर हिंदी या भोजपुरी? कोई भी गाना जो आपको अच्छा लगे भैया। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। आए द्वारपालो कन्हैया से कह दो, आए द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीबा गया है, कि दर पे सुदामा गरीबा गया है, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जमा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जमा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखापत नसीबा गया है, कि मिलने सखापत नसीबा गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुकमुड़ी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुकमुड़ी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए, हाँ चरण आंसुओं से प्रभु ने दुलाए, हाँ हाँ न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया। रोहित भाई मैं फिर से आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप
एल्बम में पैसे ना लगाइए, आप पैसे अपने फैमिली में लगाइए। अगर आपको सिंगिंग के क्षेत्र में बढ़ना है तो आप या तो स्टेज शो करिए जहाँ की आपको पैसे मिलेंगे, लगाने नहीं पड़ेंगे। दूसरी चीज़, अगर सिंगिंग क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो मोहन राठौर, आलोक कुमार, ममता राउत और बहुत सारे नाम हैं जो मैं बता सकता हूँ आपको, इनके जैसे आप रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करिए, अपनी गायकी में कॉन्सेंट्रेट करिए, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट गाने तैयार करिए, दूसरों के भी गाने तैयार करिए और रियलिटी शो में जाके पार्टिसिपेट करेंगे तो हो सकता है कि आपकी लक और आपका मेहनत आपका साथ दे और आपका नसीब चमक जाए। लेकिन मेरी राय यही है, आप कितना भी अच्छा गाते हो लेकिन पैसे एल्बम में मत लगाओ, क्योंकि एल्बम में पैसे लगा के उसमें 1% आज के टाइम पे चांस है कि आप सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि आप पैसे नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आप महीने का 10 से सिर्फ 12,000 15,000 कमाते हैं और आपके बच्चे हैं, फैमिली है। आप तैयारी करो और किसी रियलिटी शो में जाओ। एक ऑटो ड्राइवर थे यहीं गाजियाबाद के, वो द वॉइस में गए थे, वहाँ पे सोनू निगम जज थे, वहाँ पे श्रेया घोषाल थी, वहाँ पे संजय लीला भंसाली थे, उनकी लाइफ बदल गई। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो ज़रूरी नहीं है कि आप एल्बम ही करें, आप किसी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए, नहीं तो ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप बाद में पछताएंगे, क्योंकि आप हर महीने 3-4 गाने नहीं कर सकते हैं। और जो भी आपको बोल रहा होगा कि ऑडियो बना के लाओ, वीडियो मैं करूँगा, उसका भी स्वार्थ होगा, कोई नई कंपनी होगी, नहीं बूस्ट हो रही होगी, नहीं चल रही होगी, उसके पास बजट नहीं होगा, इसलिए आपको वो ऐसा बोल रहा है। आपको एक ऐसा मंच चाहिए, एल्बम अगर आप कर रहे हैं तो ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां गाना डालते ही व्यू आए। आप चाहे नए सिंगर हो चाहे पुराने सिंगर हो, अगर ऐसी जगह से काम करेंगे तो आपको निकलने में बहुत टाइम लगेगा। प्लीज़ आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। भाई की जिंदगी का सवाल है, हो सकता है मेरा समझाना एक पर असर ना करे, आप समझाएंगे शायद ये मान जाएंगे। धन्यवाद भाई, लेकिन जाते जाते आप मेरी बातों सहमत हैं कि नहीं है, आप ज़रूर बता के जाइए। सर मैं अभी एक गाने का डमी दिया हूँ, उस गाने से मुझे भरपूर चांस है कि वो गाना मार्केट में अच्छा चलेगा और जनता लोग आशीर्वाद देंगे तो सर वो गाना जरूर चलेगा। चलिए ठीक है, मैं भी दुआ करता हूँ आपका गाना चले। सैड सॉन्ग है सर, उसका ये नाम है दिल दीवाना बगोरी हमर तोहरे प्यार में, दिल दीवाना बगोरी हमर तोहरे प्यार में, काहे छोड़ के गईलू हमके दोसरा के घर में, काहे छोड़ के गईलू हमके दोसरा के घर में, बरसों के सपना सजल काहे मिटैलू, कौन कसूर रहल काहे ना बतैलू, बरसों के सपना सजल काहे मिटैलू, कौन कसूर रहल काहे ना बतैलू, तोड़ के दिल हमर बोला का पैलू, हमरे जीवन में काहे अगिया लगैलू, दिलवा धड़के ला हर दमई तोहरा ख्याल में, दिलवा धड़के ला हर दमई तोहरा ख्याल में, काहे छोड़ के गईलू हमके दोसरा के घर में, दिल दीवाना बगोरी हमर तोहरे प्यार में, काहे छोड़ के गईलू हमके दोसरा के घर में। ठीक है, आशा करते हैं भैया आपको उम्मीद है तो हमें भी उम्मीद है, आपके लोग सपोर्ट करें, मैं भी आशा करता हूँ, लेकिन मेरी बातों पर ध्यान रखना, आप एल्बम ना करके आप किसी रियलिटी शो के लिए तैयारी करिए और पार्टिसिपेट करिए। बाकी आप चर्चा में आए, तहे दिल से आपका शुक्रिया, और आपके बच्चों के लिए भी हम प्रे करते हैं कि वो भी अच्छी तरीके से रहें और आप उनको सपोर्ट करें। धन्यवाद भैया। ठीक है सर, धन्यवाद।